2024 का इलेक्शन का वक्त बहुत ही करीब आ गया है, आपने देखा है क्या? पूरी रैली मैंने पूरी कैप्चर किया और आपने भी बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया है। लेकिन आज मेन मुद्दे पे हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए गए हैं जिसको कोई पहचानता भी नहीं है, वो भी यहाँ पे कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ है वोट कटिंग के लिए। तो जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो हमारे कैंडिडेट है, जो हमारे सर असलम शेख, उनके लिए जैसे कि बहुत से कैंडिडेट खड़े हुए और जो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो बाहर का, जो कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी बाहर से कैंडिडेट लेके आ रही है, उनके पास कोई यहाँ का कैंडिडेट है नहीं, वो बाहर से अपना कैंडिडेट लेके आती है। तो अभी भी एक कैंडिडेट जो बीजेपी का आया हुआ है ना, तब से खाली आप देख लेना बहुत सी समाज की खबरें, ऐसी जो लोकल न्यूज़ है उनके ऊपर उसकी बहुत सारी स्पीच है जिसमें वो कह रहे हैं क्या भाई आमदार ने कुछ किया नहीं है, ये है वो है फलाना है ढिमका है। तो जो मुद्दे वो उठा रहे, जो चार मुद्दे उन्होंने उठाए हैं मेन मुद्दे, जिसमें हर मुद्दे में उन्होंने यही कहा है, चार मुद्दे को उठा के सबसे पहले जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, मालवनी को नशा मुक्त करें अंकुश भाई। तो मेरे साथ में मेरे भाई है अंकुश भाई। तो अंकुश भाई जो ये बोल रहे हैं चार महीने में नशा मुक्त करेंगे, अभी तक के 500 से ज़्यादा उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, तो ये जो नशा आ रहा है ये हमारी मालवनी में बन रहा है क्या अंकुश भाई? नशा तो बाहर से ही आता है, अभी कैसा नशा करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, नशा तो कोई कहाँ से भी करेगा ही। हमें नशा जो अभी चल रहा है वो कैसा है उसे रोकना है, उसके लिए काम करना है बराबर। अभी गुजरात में कितना नशा पकड़ा गया है, कितना ड्रग्स पकड़ा गया है आपने न्यूज़ में देखा होगा, और फिलहाल ही मैंने भी 3 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया है। नशा कहाँ पकड़ा गया? गुजरात में। राज्य में केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आज महाराष्ट्र में 2.5 साल से सरकार किसकी है? तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में मुंबई में आज जो इतना ड्रग्स फैला हुआ है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है? जो उम्मीदवार है उनके भाई खुद बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष है, तो ये नशा कहाँ से आ रहा है? ये बस खाली मालवनी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीतना है ये मुद्दे पे। तो पब्लिक समझदार है, तो ये उनका जो पहला मुद्दा था ये मैंने आपको बताया, जो कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि नशा तो पूरे इंडिया में और पूरे मुंबई महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो ये खाली मालवनी की बात जो कर रहे हैं, केंद्र में राज्य में इनकी सरकार है तो ये नाकाम हो चुके हैं पूरी तरीके से। और दूसरा मुद्दा जो ये उठा रहे, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ में ये मेरे भाई है, ये मेरी जान है, ये हम बचपन से आज तक साथ में। अब अंकुश भाई से मैं पूछूंगा, अंकुश भाई आप मालवनी में कब से हो? आज 32 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। आपको मालवनी में डर लगता है? डर किस चीज का? वो बोल रहे ना मालवनी को भयमुक्त मालवनी करेंगे। देखो कैसा है, पहली बात तो हम लोग आज से नहीं 32 साल से यहाँ पे रहते, अलग अलग कार्यक्रम करते, अलग धर्मों के कार्यक्रम करते, सब लोग जुड़े साथ में। तो ये तो डर तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई किसी धर्म के नाम पे, हम लोग नहीं मानते हैं, मैं हमारा इंसानियत धर्म है तो हम लोग उसको फॉलो करते, तो हर एक धर्म को हम लोग इज्जत देते, और भले जो लोगों की सोच है वो हम लोग नहीं बदल सकते लेकिन हमारी सोच हम बदलने नहीं देंगे बराबर। तो मालवनी में मैं आज 18 साल से हम लोग, हमारा खुद का मंडल है, आपने देखा होगा दोस्तों, ओम श्री गणेश मित्र मंडल मालवनी माड़ाचा राजा। हम लोग कितने दिल से हमारे गणपति अप्पा को लेके आते हैं और कितने प्यार से उनको विदा करते हैं, ये हमारी सीख, ये हमारे घर वालों ने हमें ये सीख दी है। आज 18 साल तो छोड़ दो, मालवनी में इतने बड़े बड़े गणपति बैठते हैं, लालबाग के बाद में अगर छोटा लालबाग किसे पूरे मुंबई में कहा जाता है तो वो हमारे मालवनी को कहा जाता है। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आगमन अलग अलग डेट पे होते हैं, विसर्जन के टाइम पे पूरा मालवनी ऐसा भरा हुआ रहता है कि आप, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे ब्लॉग में आप जाके देख लेना, मैंने सब शूट करके पहले से रखा हूँ। तो ये आज तक के कभी हिंदू मुसलमान हमारे मालवनी में कभी नहीं हुआ है, तो होगा भी नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत समझदार है, पांचों उंगली एक सरी की नहीं होती है, तो जो गंदे उनको हम लोग लेस गो करते हैं, बाकी अच्छों की कमी नहीं है। तो आज ये 2-4 साल से जो रामनवमी में ये जो लोग हरकत कर रहे हैं, ये इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता है हमारे मालवनी में, हम लोग हमारे त्यौहार मनाने के लिए है भाई, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग मिलके यहाँ पे रहते हैं, हर एक त्यौहार हम लोग मनाते हैं। ये बाहर से आते हैं नफरत फैलाने के लिए, बाहर से पब्लिक लेके आते हैं, कभी हमारे मालवनी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं 2-4 साल से, इसमें भी वो लोग नाकाम ही हो रहे,
इसमें भी ये लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये दूसरा मुद्दा भी फेल। अब तीसरा मुद्दा जो पानी का ये उठा रहे, पानी के बारे में आप क्या कहोगे अंकुल भाई? अभी पानी माड़ा के अंदर तो अपना सबको अच्छे से मिल ही रहा है, दूसरा अपना अम्बुजवाड़ी में जो पानी लाने का काम है, अभी एक अगर कोई श्रेय ले रहा है तो कॉरपोरेशन इस चीज़ के लिए होता है, गटर पानी नाले के लिए। तो पानी का जो लाइन है उसका जो वर्क ऑर्डर है, आप वर्क ऑर्डर मंगा लो, मालूम पड़ जाएगा किसने पानी की लाइन लाया किसने नहीं लाया। और ये जो आमदार निधि और खादर निधि जितने भी फंड आते हैं, ये सब हमारे टैक्स पेबल पैसे से आते हैं, ये कोई अपने जेब से नहीं करता है। तो सरकार भी जो बनती है और जो चलती है वो हमारे पैसे से ही चलती है। तो हमारा जो हक है, राइट टू जो हमारा बेसिक चीज़ें है, घर पानी, तो इसमें अगर कोई अगर हमारे को ला के दे रहा है तो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है, हमारे जो ज़रूरतों की चीज़ें वो हमें दे रहा है, उसके बदले हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं। अभी जैसा बोलते हैं कि कुछ नहीं किया, तो भाई मालवनी पहले कैसी थी और आज कैसी है ये आप खुद देख लो। पहले तो यहाँ पे कोई आने से लोग डरते थे, बराबर, तो आज यहाँ पे तो कितने लोग आ रहे हैं। तो इसका यही मतलब है ना कि मालवनी आज इधर लोग रह रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण है, नहीं तो लोग डरते तो आते क्यों? बराबर, आज इधर कोई दंगे नहीं कुछ नहीं, सब लोग साथ में मिलजुल के रह रहे, सब चीज़ सुविधा मिल रही है, कोई चीज़ तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए भी टाइम जाता है। आज एक कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई चीज़ आती है तो वो तुरंत नहीं आती है, उसके लिए लाना पड़ता है। तो बेसिक जो लोगों को नॉलेज रहता है, जो पढ़े लिखे रहते हैं, उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आज माड़ा डेवलप कभी हुआ? माड़ा पहले बंजर था, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, मैच खेलते थे, हल्लू हल्लू वो मैच की जगह भी गायब होने लग गई। अभी तो हमारे पास खेलने के लिए एक ही मैदान बचा हुआ है, वो भी चलेगा, वो भी चला जाएगा, अभी थोड़े दिन में कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ चालू कर देगा, हम लोग जाएंगे का। और मेरा छोटा भाई है रोहन, रोहन भी यहाँ पे है। रोहन, तुझको डर लगता है क्या मालवनी में? नहीं भाई, बचपन से रहते है, दादा जानते है, मुस्तू भाई जानते है मेरे को बचपन से, कहीं का कोई चीज का डर नहीं है। तो दोस्तों यही बात है, अब मेन इनके पास तो मुद्दे है नहीं। आज 2014 के बाद से जो हमारे देश की हाल लोग ने कर दी है, जो बेचारे लोगों को भड़का के अलग रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आने वाला वक्त इनको करारा जवाब देगा। ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा, हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार आने वाले 23 तारीख के दिन हमारी सरकार बनने वाली है, तो है भाई। और हमारे उद्धव साहब जो इतने अच्छे CM यार, क्या मैं बताऊँ, उनके बारे में टीका करते हैं लोग, 2.5 साल में बोले उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे 2.5 साल में जब कोरोना काल चल रहा था ना दोस्तों, तो पूरा महाराष्ट्र नंबर 1 पे था पूरे इंडिया में, उद्धव साहब की सरकार में CM अपने नंबर 1 पे थे। उसका रीजन क्या था कि कुछ काम किया रहेगा तो ही नंबर 1 पे रहते ना, अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो नंबर लास्ट में रहते। तो उसके लिए जो भी काम हुआ है ना, उसके वजह से नंबर 1 में थे। जितनी बीमारी यहाँ पे तो होनी चाहिए थी उससे तो बहुत कम हो गई। और हमारे यहाँ पे तो जो बेचारे कोविड में मर गए, जिनकी जान गई, उनके साथ तो कोई बुरा ये सलूक नहीं हुआ, उनको अच्छे से दफनाया गया, जलाया गया, जो चीज़ें क्रियाक्रम होती है होती है। बाकी कुछ जगह ऐसा है जहाँ लोगों ने लाशों को पानी में बहा दिया, तो आप सोचो बिहार में, तो आप सोचो इससे क्या मालूम पड़ता है कि भाई अगर एक इंसान अगर काम कर रहा है ना, तो उसको काम करने का तरीका होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ये जिनने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, कभी उनको कोई मतलब उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन उस इंसान ने जब उस गद्दी पे बैठा ना, तो उसने उसकी कदर करके सबके लिए सोचा, हर एक काम को लेके चला उन्होंने 2.5 साल में। तो इसका कोई गलत नहीं है कि अगर आज हमारे विचारधारा वही है, हम लोग ने चेंज नहीं की है, विचारधारा ना बदलेगी जो आज हम लोग है। हमारा मतलब यही है कि हमारे आपस में झगड़े नहीं होना चाहिए, हम साथ में रहना चाहिए और साथ में चलना चाहिए। आज हम लोग दोनों हाथ से नहीं, कम से कम 20 से 22 साल से साथ में, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज हमारे बीच में अगर छोटी सी बातों में अनबन हो गई तो उसका कोई फायदा उठाए, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। सिर्फ धर्म के नाम पे लोग ने 2014 से बांटने की कोशिश की है। 15-15 लाख था, मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख एक एक इंडियन के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद में अमित शाह ने बोला ये जुमला है, आपको ही पता है हमको ही पता है ये नहीं आएंगे। कितने रोजगार थे, आज देश के अंदर खाली बस राम भगवान के नाम पे लड़ाते हैं, मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं, भूंगे के नाम पे लड़ाते हैं, और इतनी मतलब गंदगी फैल चुकी है हमारे महाराष्ट्र में भी है।
वो इतनी बदतमीजी करता है, एक कौम को टारगेट करता है और इतनी बदतमीजी करता है, उसके ऊपर इतने एफआईआर होते हैं तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। तो ये क्या सरकार है? ये एक तरफा सरकार है, ये किसी के सरकार नहीं है दोस्तों। ये हमारा भाईचारा ख़राब करने के लिए खाली आए हुए हैं, ये खाली बोलते चले जाते, बेचारे लड़ते हैं आपस में हम आप। तो आने वाली 20 तारीख को इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। हमें पूरे महाराष्ट्र को, ये पूरा मैसेज पूरे महाराष्ट्र को है, हम सब, हमारा जो शिवसेना का हमारा धनुष्यबाण चोरी किए का घड़ी का चिन्ह चोरी किए, हर एक को जो परेशानी दिए, आप आने वाली 20 तारीख को इसका जवाब दो और अपने घर से निकलो। सुबह 7 बजे से लेके 7 बजे तक के जितना हो सके उतना वोटिंग करो, और करो वोटिंग। अपने जो कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी के उनको जिताओ, और हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो आमदार है, जो दमदार है, जो मलाड की शान है और हमारी जान है, असलम शेख सर, उनका भी एक नंबर का बटाने पूरे मलाड़ वासियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमेशा से हर धर्म को लेके चला है, वो अगर किसी के न्याज में आते हैं तो उससे ज़्यादा गणपति के फेस्टिवल में जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, हर एक छोटे छोटे फंक्शन में उनको बुलाते हैं, वो आते हैं। तो आमदार को हमें जिताना है और एक नंबर का बटन दबाना है, और मालवनी और मलाड़ को हमें ये गंदे लोगों से, ये गंदगी से दूर करना है दोस्तों। तो अंकुश भाई अभी 2 लाइन बोलेंगे और फिर हम आपको जो अपडेट है 18 तारीख की वो भी हम आपको डालेंगे। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत प्यार दिया है, बस यूं ही मोहब्बत के साथ रहिए। कुछ नहीं आने वाला है साथ में, मोहब्बत ही आने वाली है दोस्तों। ये नफरत ही लोगों का खाली काम है, नफरत फैलाना और चले जाना, और हमारे को आपस में लड़ाना तो हमें लड़ना नहीं है दोस्तों। ये 20 तारीख को जवाब देना है और 23 तारीख को हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी की बन रही है, और हमारे उद्धव साहब CM बन रहे हैं, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर फिर से असलम शेख सर हो गए, और ऊपर वाले ने चाहा तो डिप्टी CM भी बन जाएंगे वो। बस आपका साथ चाहिए। आने वाले 20 तारीख को आपको पता है ना क्या करना है? एक नंबर के बटन को दबाना है, हाथ में मशाल जलाना है और घर घर में रोशन करना है, और हमारे असलम भाई को जिताना है। तो ये अभी जो आप सुन रहे हो, बस ये सुनो मत, करो, जाके घर से निकलो और ज्यादा भारी तादाद से निकल के वोटिंग करो, और वोटिंग का परसेंटेज भी बताओ कि मलाडवासी है कितना हो रहा है। हम जो नॉर्मल होता था ये साल और भी मजबूत करेंगे, और अच्छे से वोटिंग करके असलम भाई को आने वाले 23 तारीख को विजय करेंगे, और कैबिनेट बनते हुए हम देखेंगे, और वही उत्साह से हम लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं वही उत्साह से हम एंजॉय भी करेंगे उस चीज को। तो दोस्तों, एक नंबर MLA, एक नंबर पे ऑफिस, एक नंबर का बटन और है निशानी हाथ का पंजा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉक में। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए, हमने अगर कुछ गलत बोला है तो या हमको बताइए दोस्तों। मिलते हैं और काम भी एक नंबर। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।